हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई नहीं जाना चाहता है, लेकिन अगर जीवन है तो बीमारी भी है, और जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है, जहाँ पर डॉक्टर्स हमारा इलाज करते हैं, हमारा बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखते हैं। तो जब भी आप हॉस्पिटल गए होंगे तो आपने गौर किया होगा कि हर एक डॉक्टर सफ़ेद रंग का कोट पहनता है। आखिरकार ऐसा क्यों है? वो सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद रंग का ही कोट क्यों पहनते हैं? वेलकम टू आवर चैनल। आज हम जिस बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो है कि हॉस्पिटल में मौजूद डॉक्टर्स आखिरकार सिर्फ और सिर्फ सफेद रंग का ही कोट क्यों पहनते हैं। क्या आपको इसके पीछे का कारण पता है कि डॉक्टर्स आखिरकार सफेद कोट ही क्यों पहनते हैं? क्यों वो लाल रंग का, काले रंग का, पीले रंग का, इन रंगों का कोट क्यों नहीं पहनते? तो दोस्तों, इसके पीछे की एक खास वजह है। सफेद कोट आज डॉक्टरों की पहचान बन चुका है। ये सिलसिला आज नहीं, काफी सालों से चलता आ रहा है। बीते सालों से ये एक रूटीन की तरह, एक चलन की तरह चलता आ रहा है। डॉक्टर्स यानी सफेद कोट। सफेद जो रंग है वो सफाई का प्रतीक होता है। सफेद रंग पर कीटाणु या गंदगी बहुत अच्छे तरीके से और जल्दी दिखती है। इसका मतलब है कि उसे बदलने का समय आ चुका है, और डॉक्टर्स का जो पेशा होता है वो बहुत ही साफ सफाई का, बहुत ही सटीक चीजों का होता है। उसमें छोटे से छोटी चीज का ध्यान रखना होता है, तभी जो उनका पेशेंट है, जो मरीज है, उसका इलाज अच्छे तरीके से हो सकता है और वो जल्दी ठीक होगा। क्योंकि जो सफेद रंग है वह स्वच्छता, पवित्रता, शांति और ईमानदारी का प्रतीक होता है। जो डॉक्टर्स है उन्हें धरती पर दूसरे भगवान का दर्जा दिया गया है, इसीलिए उनका ईमानदार होना, पवित्र होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपके पास इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, और यूं ही हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही।